नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल महावासी गिरी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं अभी रक्सौल स्टेशन पर ही, देख सकते हो बिहार का रक्सौल स्टेशन है, यहाँ से वीरगंज जाऊँगा और यह नेपाल, इंडिया से जो नेपाल जाऊँगा बहुत ही कम पैसे में, इसका ब्लॉग दूंगा। अगर आप भी नेपाल जाना चाहते हैं तो रक्सौल स्टेशन पर आइए, भारत के लगभग हर एक जगहों से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी, यहाँ आइए और यहाँ से आप नेपाल कैसे जा सकते हैं वीरगंज होते हुए। अगर आप काठमांडू भी जाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से वीरगंज जाइए और वीरगंज से काठमांडू की बस मिल जाएगी और यहाँ से आप वीरगंज कैसे जाइएगा ये सभी ब्लॉग में इसमें दूंगा और बहुत ही कम पैसों में यहाँ से जा सकते हैं वीरगंज। टोटल इन्फॉर्मेशन और टोटल क्या क्या लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, सभी चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए। जैसे कि देख सकते हो अभी मैं रक्सौल स्टेशन पे हूँ यहाँ से, अब यहाँ से चलते हैं आगे। इधर देख सकते हो दोस्तों ऑटो स्टैंड हो गया, यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, यहीं से ऑटो मिलेगी। और अगर मेरे साथ चलिएगा दोस्तों जैसे मैं जाता हूँ वैसे चलिएगा तो नहीं आपको जाम में पड़ना पड़ेगा और नहीं आपको ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ और ब्लॉगर बहुत सोच समझ के बहुत ही कम बजट में कहीं ट्रेवल करते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ वीरगंज। तो दोस्तों हम लोग अभी जो है रक्सौल गेट जो है स्टेशन का गेट वहाँ पे निकल रहे हैं। ऐसे तो आप ऑटो से जा ही सकते हैं लेकिन यहाँ टांगा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो इधर टांगा लगा हुआ है, टांगा से भी आप जा सकते हो। तो टांगा वाले से पूछते हैं वीरगंज का कितना किराया है, वीरगंज का किराया दो आदमी, एक आदमी का 50 रुपया शेयर में ना, रिजर्व करके जाए को तब 240। तो अगर आप टांगा से जाना चाहते हैं दोस्तों तो टांगा से भी जा सकते हैं। और उसका कितना किराया होता है टेम्पल का किराया, टेम्पल यहाँ से कहाँ जाता है, ऑटो जाता है ना, ऑटो ना यहाँ से ऑटो ना, इंडियन नंबर जाता है बॉर्डर तक, हाँ इंडियन नंबर बॉर्डर तक नहीं जाता है। अच्छा ऑटो नहीं जाती है, नहीं जाती नहीं, वीरगंज नहीं जाती है, नेपाली ऑटो जाती है ढाला पर से। अच्छा वहाँ से नेपाली ऑटो जाती है, अच्छा यहाँ से ये टांगा ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप रक्सौल जंक्शन से मतलब जाना चाहते हैं तो टांगा पकड़ करके डायरेक्ट वीरगंज जाइएगा ना भैया, एक आदमी का 50 रुपया, अगर रिजर्व में जाइएगा तो 240-250 ऐसे रुपया लगेगा। और अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो वहाँ रेलवे फाटक है, वहाँ से आपको ऑटो मिलेगी नेपाली नंबर ऑटो, क्योंकि इंडिया नंबर ऑटो सिर्फ बॉर्डर तक ही जाती है ना, बॉर्डर तक जाती है। तो और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस वीडियो में बताता हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में दोस्तों आप बने रहिए। दोस्तों जब आप रक्सौल स्टेशन से आते हो तो ये रक्सौल बस स्टैंड है, यह चौराहा मिलेगी और इसी रोड से आप आइएगा दोस्तों, ये जो रोड देख रहे हैं इसी रोड से आइएगा। और यह जो रोड है इधर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह रोड जो चली जाती है रक्सौल शहर की ओर, और इससे जस्ट इधर जो आइएगा दोस्तों तो यही रोड जाती है वीरगंज नेपाल। तो इसी रोड के होते हुए हम लोग निकलेंगे, आपको यहाँ से भी ऑटो मिल जाएगी, पर यहाँ जो है वो बैरियर गिर जाता है, ट्रेन का जो बैरियर है वो गिर जाता है, तो उसमें आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी रोड से चलते हैं और बैरियर से उस तरफ से अगर पकड़िएगा दोस्तों ऑटो तो वहाँ से आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हो दोस्तों कितना जाम लगा हुआ है, जो फाटक गिर जाता है ट्रेन का फाटक, इसी कारण जो है यहाँ जाम हमेशा लगभग लगी रहती है। और उधर जो चलिएगा दोस्तों वीरगंज के उस फाटक से उस तरफ दोस्तों आप चलिएगा, दोस्तों अगर फाटक से उस तरफ चलिएगा तो वहाँ इधर जाम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग फाटक से उस तरफ चलेंगे और देख सकते हो कितना जाम है, ये देखिए अगर यहाँ पर ऑटो पकड़िएगा या कोई टांगा पकड़िएगा तो बीच में आपको करीब करीब 1 घंटा जाम में पड़ना पड़ सकता है, और उस तरफ जाइएगा तो 1 घंटा जाम में बच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या धूप में कैसा लग रहा है, धूप में कैसा लग रहा है चलने में, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। देखिए दोस्तों कितना जाम, ये देखिए जाम। चलिए दोस्तों तो चलते हैं, फिर आगे जो ऑटो पकड़ते हैं इसके बाद फिर मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं नेपाल तो नोटों का जो एक्सचेंज जो है, अगर आप इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हो। देख सकते हो इधर हर जगह काउंटर लगा हुआ है, 300 रेट भी पूछते हैं, कितना चल रहा है रेट अभी, कितना 160, मतलब 100 रुपया इंडियन बन गए तो 160 आप दीजिएगा। तो बहुत, अगर आप काठमांडू जा रहे हैं घूमने या वीरगंज जा रहे हैं घूमने तो यहाँ से अदला बदली कर सकते हैं। अगर नेपाल से रिटर्न आता है तो फिर नेपाली नोट को बदले इंडियन नोट को दीजिएगा।
तो वो नोट भी यहाँ मिल जाएगा। देख सकते हो इधर दुकान जो है पूरा लगा हुआ है, काउंटर जो बैरियर जो है बैरियर से जस्ट इस तरफ। तो यहाँ से दोस्तों ऑटो लेते हैं और इसके बाद फिर करते कुछ हम भी चेंज करवा ही लेते हैं, क्योंकि जाना है बीरगंज घूमने जाना है तो चेंज करवा लेते हैं, कहीं वहाँ काम तो होगा ही नेपाली नोट का तो चेंज करवाते हैं। तो चलते हैं, कह रुपया है नेपाली 30 रुपया और इंडियन 20 रुपया इंडियन 20 रुपया बीरगंज बीरगंज बीरगंज। आइए आप पीछे बैठ जाए, मैं आगे बैठ जाता हूँ। 20 रुपया और नेपाली 30 रुपया यहाँ से टोटो का, इंडियन 20 रुपया और इंडियन नेपाली 30 रुपया टोटो का भाड़ा मिल चुका है। और टोटो यहाँ से हम लोग पकड़े हैं, कितना देर लगता है भैया जाने में? 10 मिनट तो 10 मिनट लगेगा। और क्या किलोमीटर होगा? 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं बीरगंज, और जो ब्लॉग है वहाँ मैं बताता हूँ कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो मेरे इस वीडियो में वहाँ क्या क्या घूमने के लिए है बीरगंज में। पोखरी है, घंटाघर है। अच्छा, सस्ता मार्केट भी है वहाँ? मार्केट है, मार्केट है। यहाँ जाम की जो समस्या वो हमेशा बनी रहती है? ना ना, वो गाड़ी वाला नहीं, वो पीछे जो बैरियर से पीछे जाम देता वो जब बैरियर देता है। हाँ, इंडियन गाड़ी को नहीं जाने देता नेपाल में, ऑटो तो इसको जाने देता, क्या कहते हैं टांगा को ना, टांगा जाने इंडियन गाड़ी वहीं तक छोड़ के चली जाती है। हम लोग अब जाम का पीछा करते हुए कस्टम पुल की तरह, मैत्री पुल और कस्टम पुल इसे कहते ना, अगर फोर व्हीलर लेकर आते तो यहीं पे फंसार कटाना पड़ता है आगे नेपाल में। ये मैत्री पुल हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो, इसे कस्टम पुल भी बोला जाता है, कस्टम पुल जो सामान वान का चेक वगैरह होता होगा इनको होता होगा। अब हम लोग दोस्तों इंडिया क्रॉस कर चुके हैं, नो माइंड्स एरिया में है, इंडिया और नेपाल के बीच में जो नो माइंड्स एरिया है वहाँ पे हूँ अभी। आप देख सकते हो हम लोग नेपाल में अब प्रवेश करने वाले हैं। गेट दिखा दीजिए, गेट देखा, गेट दिखा दे, पूरा एक मिनट रुकिएगा वहाँ पे, एक मिनट, हाँ एक मिनट। देखिए नेपाल का जो आप सर्च कीजिएगा तो यही आता है, यहाँ बीरगंज के सर्च कीजिएगा सबसे पहला जो फोटो आएगा वो इसी गेट का आता है। देख सकते हो दोस्तों नेपाल भंसार है, आप यहाँ आते हो तो यहीं से भंसार कराना पड़ता है इंडियन, और बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है दोस्तों, मतलब इतना चेक किया जाता है मत पूछो, बहुत ज्यादा यहाँ पे चेक इन किया जाता है। लेकिन कुछ नहीं, आप नहीं कुछ लाते हो नहीं कुछ अच्छी करते हो तो कोई डरने की बात नहीं है, और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वोटर आईडी रख लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप आ रहे हैं सिंपल तो कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरी नहीं है। अगर आप इंडियन गाड़ी से आ रहे हो तो क्या क्या लगता है भैया? इंडियन गाड़ी से संसार कटा लेते हैं, लाइसेंस लगता है, फोटो बुक लगता है। अच्छा, लाइसेंस लगता है और ऑनर बुक लगता है? ऑनर बुक लगता है। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ भंसार जो कटाते हैं तो लाइसेंस लगेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर बुक लगेगा। और एक दिन का कितना रुपया होता है? तो 4 चक्का का 5 रुपया यानी 350 से देने पर डे का। अगर 4 चक्का से आते हैं तो 350 रुपया इंडियन पर डे, और 2 चक्का आते हैं तो 2 चक्का का 250 रुपये।
दो चक्का से आता है तो 100 रुपया इंडियन आपको पड़ेगा पर डे का। और वोटर आई डी दोस्तों हो सके तो रख लीजिएगा, ऐसे तो चेकिंग नहीं करता है लेकिन हाँ रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कहीं कोई चेकिंग कर दे कुछ हो जाए तो वोटर आई डी साथ में रखिएगा ही। तो चलिए दोस्तों आप लगभग पहुँचने वाले हैं हम लोग घंटाघर, हम यहाँ से जो घूमेंगे हमको नहीं जाने देगा घंटाघर, ठीक है? तो सीधे आप चले जाइए उतर के आराम से जाइए, इंडिया से मार लीजिएगा। मेरा नाम दिलीप प्रसाद होगा, कहाँ का रहने वाले हैं? भैया बहुत मदद किए यहाँ तक आने में, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो उनको रुपया दे देते हैं और इसके बाद फिर दोस्तों घंटा घर आ चुके हैं यहाँ से, फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। कहाँ कहाँ घूम सकते हैं यहाँ? यहाँ तो घंटा घर है, रानी टोकरी है। अच्छा बगल में ही है सर? सबसे बगल में, माई स्थान भी बगल में, मंदिर बगल में। तो फिर चलिए दोस्तों आगे ब्लॉग में बताता हूँ, भैया को पैसा दे देता हूँ पहले। दोस्तों आप देख सकते हो यह घंटा घर रह गया और फाइनली दोस्तों हम लोग अब नेपाल में पहुँच चुके हैं मात्र 20 रुपया में। कितना रुपया में आया है? 20 रुपया। अगर मेरे वीडियो जैसे मैं आया हूँ वैसे मेरे वीडियो का फॉलो करते हुए आप आइएगा तो मात्र 20 रुपया में यहाँ नेपाल आ सकते हो, इंडिया से नेपाल। और अगर आप स्टेशन से आइएगा रक्सौल स्टेशन से तो 50 रुपया लगेगा। तो यहाँ आइए दोस्तों, देखिए यही घंटा घर हो गया और यहाँ से फिर मैं ब्लॉग नए ब्लॉग का शुरुआत करता हूँ, यहाँ क्या क्या चीज़ है और घूमने के लिए मैं तो एक्सप्लोर करता हूँ पूरे वीरगंज शहर को। और अभी तो ये पता चल गया है कि यह शहर बहुत ही साफ सुथरा है और फिर आगे देखता हूँ कि क्या क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जाइए मेरे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले। क्या करना है? बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ प्यार करते हैं आपसे।